गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 1.2 के क्वेश्चन कर लिए थे, समुच्चय के प्रकार पढ़ लिए थे। शून्य समुच्चय कौन सा होगा, एकल समुच्चय, प्रिमित, अप्रिमित, तुल्य, समान। समुच्चय की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी गया था, समुच्चय की डेफिनेशन क्लियर है तो इसके ये क्वेश्चन भी सिंपल है, वो भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, कौन से प्रिमित और अप्रिमित, सिर्फ इतना ही बताना है भी प्रिमित कौन से हैं और अप्रिमित कौन से, कौन से प्रिमित है कौन से अप्रिमित। वर्ष के महीनों का समुच्चय, फर्स्ट क्या बोल रहा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो वर्ष के महीने हमें पता है कितने होते हैं, 12 होते हैं। वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो उनकी संख्या क्या है, निश्चित है, उनकी संख्या क्या है, निश्चित है, काउंट कर सकते हैं महीने कितने होते हैं, 12। तो ये कौन सा समुच्चय है, प्रिमित। प्रिमित कौन सा होगा जिसमें हम काउंट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड में दिया है 1, 2, 3 डैश डैश डैश। देखो 1, 2, 3 से ही अनंत तक, अब हमें नहीं पता ये कहां तक चल रहा है। तो इनकी संख्या क्या होगी, अनिश्चित, काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अप्रिमित। समझ गए, प्रिमित अप्रिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1, 2, 3 डैश 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 9900 इस प्रकार से दिया है। नेक्स्ट में 1, 2, 3 डैश 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 9900। तो ये तो पता ही है हमें, 1 से लेकर 100 तक है, 100 है, इनको गिन सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रिमित, सिंपल ही है। नेक्स्ट 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक बोल रखा है, ये बहुत होते हैं, अनिश्चित है इनकी संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, अप्रिमित, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखो 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे कौन से होते हैं, 2 हो गया, फिर 3, 5, फिर 7, 9 नहीं होता, 11, फिर 13, 17, 19 इस प्रकार से डैश 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 99 तक तो हम काउंट कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रिमित। प्रिमित और अप्रिमित की अगर डेफिनेशन क्लियर है तो इसके क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रिमित है और कौन सा अप्रिमित है, ये ही थर्ड क्वेश्चन में बताना है भी कौन सा हमारे पास प्रिमित है और कौन सा क्या है, अप्रिमित। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रिमित है और कौन सा अप्रिमित। चलो देखो, फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय ये बताना है, विप्रीमित है या अप्रिमित। देखो हमारी ये एक्स अक्ष ये होती है, समांतर रेखा हमें पता है जो कहीं भी नहीं काटती, उनके मध्य दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। समांतर रेखा वही होती है जिनके मध्य की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो अगर दूरी समान रहती है तो देखो पहले तो एक्स अक्ष के समांतर हम रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, कितनी खींच लो जी, इनकी कोई काउंटिंग है नहीं है, अनिश्चित है, कितनी भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा क्या है, अप्रिमित। सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का बोल रहे,
तो अक्षरों की संख्या कितनी होती है 26, निश्चित संख्या है, इनको काउंट कर सकते हैं, बना सकते हैं ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक। तो ये क्या निश्चित, तो ये हमारा क्या होगा परिमित। फिर थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो पांच के गुणज हैं, पांच के गुणज क्या होंगे, 5, 10, 15, 20 ये तो इस प्रकार से अनंत तक चलते रहेंगे, इनकी संख्या क्या होगी अनिश्चित होगी, अनिश्चित होगी, तो ये क्या हो गया अपरिमित। नेक्स्ट, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बहुत हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है अपरिमित। नेक्स्ट, मूल बिंदु 0-0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से जा रहे हैं वृत्त, कितने भी वृत्त की जा सकते हैं 0-0 से, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय तो अनंत है, इसमें तो गुजार सकते हैं, तो ये क्या है अपरिमित। ये था परिमित अपरिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है बतलाइए कि ए इक्वल बी है अथवा नहीं है। ए इक्वल बी कब होगा, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट दोनों के पास ही होंगे। ए इक्वल बी समान समुच्चय कब होते हैं, जब दोनों के पास सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, दो समुच्चय होते हैं। जैसे इसमें दिया है ए इक्वल स्मॉल ए बी सी डी, कैपिटल बी इक्वल स्मॉल डी सी बी ए। अब ए इक्वल बी है या नहीं है, ए इसके पास है, इसके पास भी है, बी इसके पास है, इसके पास भी है, सी डी, तो ये सभी एलिमेंट हैं दोनों के पास, तो ए इक्वल क्या है बी है, बस सभी के एलिमेंट एक दूसरे के पास हैं। फिर नेक्स्ट 4, 8, 12, 16, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, भी ये क्वेश्चन सिंपल, तो ये आप क्वेश्चन खुद करो। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखो ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं इसको, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे दिया है फर्स्ट में ए इक्वल तो दिया है 2, 3, इसकी तो वैल्यू दे दी उसने निकाल के, बी इक्वल उसने बोल दिया एक्स कोलन एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में 0 का एक हल है, का एक हल है, का एक हल है। देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में 0, टुकड़े करने बताया हुआ है, 10th क्लास में किए थे, गुणा करने पर 6 बने, जोड़ने या घटाने पर 5, 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल में 0, कॉमन क्या आ गया यहाँ से x, x प्लस 2, यहाँ से 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल में 0, पूरे में से कॉमन लेंगे x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल में 0, तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ गया माइनस 2, यहाँ से x इक्वल क्या आएगा माइनस 3, तो माइनस 2 माइनस 3 इसके पास क्या है प्लस के 2 प्लस के 3, तो a क्या है नॉट इक्वल है b के, a नॉट इक्वल है b के, क्योंकि a के पास जो एलिमेंट है वो b के पास नहीं है। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन में x शब्द फोलो का एक अक्षर है, x शब्द आपको इसमें समुच्चय बनाने बताए थे भी, कोई भी अक्षर क्या है रिपीट नहीं होता, समुच्चय में क्या होता है कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है। तो देखो सेकंड में पांचवे के ए इक्वल दिया है एक्स कोलन एक्स शब्द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर है, बी में दिया है
वाई कोलन, वाई शब्द, डब्ल्यू ओ एल एफ का एक अक्षर, का एक अक्षर। तो ए इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ओ एल, एल आ ही चुका है, ओ भी हमारे पास आ चुका है, डब्ल्यू। बी इक्वल डब्ल्यू ओ एल एफ, दोनों के एलिमेंट हैं एक दूसरे के पास, तो ए इक्वल क्या है, बी है, सिंपल सी बात है। आपको बताया था ना समुच्चय में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है भी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करो, तो ये आप खुद करोगे, ए बी सी डी ई एफ और जी एच, इनकी वैल्यू दे रखी है, जिस जिस के समुच्चय में एलिमेंट समान है उनको तो लिख देना आपस में समान, जिनके समान नहीं है उनके समान नहीं है, तो नोट इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन इसके करोगे 1.2 तक। फिर भी इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप अपने डाउट मैसेज करके क्लियर करो। तो यहाँ तक आज 1.2 तक करो, ठीक है। एक जो हमने फोर्थ चैप्टर किया था, किया था ना चैप्टर फोर्थ, तो वो आप तैयार नहीं करोगे, समझ गए। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सिलेबस से ये हट गया है, रिमूव हो गया है, सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर फोर्थ जो गणितीय आगमन का सिद्धांत किया था, गणितीय आगमन का सिद्धांत आप इसको तैयार नहीं करोगे। अगर किसी ने इसके नोट्स नहीं बनाए अपनी कॉपी में तो वो इसको अब नोट भी नहीं करे, क्योंकि ये चैप्टर हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया। बाकी इसके चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर।